India is a land rich in heritage and culture, dating back centuries. We have given the world art forms, which have been revered through time and admired by kings and common men alike. Yet, as the years pass, these vernacular traditions of our country are being lost and forgotten in time. Their heritage needs to be preserved, their glory reintroduced to the modern era. And one of these traditions is the art of Kondh painting. The story of Kondh begins in the Dhindori region of Madhya Pradesh, in a small village named Patangarh. Having its roots in the tribal community of the Pradhan Kondh tribe, it has been a tradition that is handed down through families across decades. Over the years, Patangarh has produced several well-known Kondh artists, and one of its most prolific exponents in the present day is Bhaju Shyam. Mera naam Bhaju Shyam hai. मैं पाटनगढ़ में जन्मा हूँ. यहाँ की सब एक एक मिट्टी से, एक एक पेड़ पौधे से मैं जानकारी है मुझे. पाटनगढ़ में ज़्यादातर गोंड और प्रधान रहते हैं. यहाँ महिलाओं का काम होता था, महिला ढिगना करती थी. ढिगना जो है ना, गोंडों का और प्रधानों का पहचान है. वो दीवारों में और नीचे फ्लोर में बनाने वाला है. गांव में जो दीवारों में जो पेंटिंग हो रहा है, ये 15 साल लगभग से कर रहे हैं, उसके पहले नहीं कर रहे थे. तो उसके पहले सिर्फ डिगना होता था, रिलीफ वर्क होता था, लकड़ियों में काम होता था. गोंड पूजा, गोंड फेस्टिवल, बच्चे के जन्म, चाहे वो मृत्यु भी हो, तब भी वो बनाया जाता है, और खुशियों के टाइम में बनाया जाता है. यहाँ बहुत आर्टिस्ट हैं, कम से कम मुझे लगता है 100 आर्टिस्ट तो होंगे, जो अपने अपने स्थिति से और अपने तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, और अपना अपने तरीके से वो भी अपना नाम कर रहे हैं, अपने गांव का नाम कर रहे हैं और अपनी परंपरा का नाम कर रहे हैं. मेरी एजुकेशन ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है. मैं 10वीं पास किया. मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और वॉचमैन की नौकरी करने के बाद चाचा जी, मतलब जंगड़ जी ने मुझे बोला कि मैं स्केच करता हूँ. वो बोलते थे कलर भर देना, आके डिटेलिंग हम समझाएंगे. वो कलर जो भरना था और वो डिटेलिंग करना था, वो वहीं से करते करते हमने काम शुरू किया. जब गांव में रहते थे तो पेड़ पौधे जी ही दिखते थे. पेड़ों का महत्व क्या है, पेड़ से हमें क्या मिलता है. धीरे धीरे हमने फिर कोंड़ राजाओं की कहानियों में काम करना शुरू किया, और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें काम करना शुरू किया. पेड़ पौधे कैसे जन्म हुए उसके काम करना शुरू किया. पहले मैं वहाँ लोधी कॉलोनी में जा चुका हूँ, और कुछ आर्टिस्ट काम कर रहे थे, और मैं सोचता हूँ कि काश अगर मैं अपनी डिज़ाइन में इन दीवारों को मैं भी करता. एक महीना लगभग, अभी 15-20 दिन हो गया, और स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन ने हमें बुलाया है. यहाँ आके एक जो हम लोग जो काम करते हैं, जो हम कैनवास में, पेपर में जो काम करते हैं,
ये काम वही है लेकिन ये बहुत अलग है, इसमें कंप्यूटर से हो रहा है, डिजिटल से हो रहा है सारा चीज़, डिजाइन एक चीज़ को बहुत अच्छे से उसको बनाते हैं कंप्यूटर से, एक जानवर को वहाँ बैठाना यहाँ बैठाना स्केच में बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये नया है हमारे लिए। तो ये मज़ा भी आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है और मैं आगे इसको अपने तरीके से और अच्छा कर पाऊंगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। अलग अलग शहरों में, गांव में, सब जगह अलग अलग आदमी होते हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग होते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ चलाक होते हैं, इसलिए ये फोक्स बनाया कि चलाक होता है ना वो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो ज़मीन है, मैं ज़मीन वो दिखाऊंगी जो मैं आदिवासी हूँ। जैसे मैं अभी अपने तरीक़े को हटा के कंप्यूटर से निकाल के और उसको नया तरीका देना, एक मॉडर्न कहना चाहिए, कंटेम्प्रेरी कहना चाहिए, तो आदिवासी दिखाई दे रहा है लेकिन वो नए तरीके से दिख रहा है।